हेलो वेलकम फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू यूज द माइऑक्सीकेट। तो इसमें पहले तो आपको ये अमेजोन से है ना, ये ऐसे माइऑक्सीकेट का पूरा एक पार्सल मिलेगा। उसका असेंबलिंग कैसे करना होता है और कैसे यूज करना होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये माइऑक्सीकेट आपको ऐसे आएगा बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर ये पूरा ऐसे ये बैग के साथ में रहेगा माइऑक्सीकेट। सबसे पहले ये माइऑक्सीकेट का ये आप बैग खोलिए, फिर उसके साथ में ये है नजल कैनुला एंड मास्क, ये है रेगुलेटर और ये है लाइट वेट एल्यूमिनियम से बना हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर और वॉल के साथ जुड़ा हुआ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो पूरा का पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको कैसे यूज कर सकते हैं आप। ये रेगुलेटर है, उसको रेगुलेटर को आपको यहां से खोलना है ऐसे। ये जो है वो बुलनोज व्हील टाइप का रेगुलेटर है। सबसे पहले आप देखिए ये है बुलनोज रेगुलेटर, इसका यहाँ पे है ना, ये बुल है और ये नोज है, इसके अंदर आपको इसको लगाना है। तो ये कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसका ये जो नोज है वो इसके अंदर है ना एक ऐसे रखिए एग्जैक्ट, और उसका थ्रेड से थ्रेड को है ना मिलाइए, ये व्हाइट कलर का व्हील को घुमाइए, तो आपका ये जो है ये लग गया, ये रेगुलेटर लग गया। अभी इसमें मास्क कैसे लगाने का वो हम देखते हैं। ये जो मास्क है उसको यहां से इसके अंदर लगाइए और ये जो है उसको इसके साथ में लगाइए। और ये आप ऐसे पहन के यूसेज के लिए आप रेडी हो गए। मेक श्योर कि ये जो रेगुलेटर का ये जो पॉइंट है वो जीरो पे होना चाहिए, ये जीरो पे देखिए, और उसके बाद में ये जो है इसको आहिस्ता से ये जो है वाल उसके ऊपर उसको खोलिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा भर ये आ जाएगा, फुल ग्रीन के नीडल जो है वो ग्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा सिलेंडर है पूरा भरा हुआ है और यूसेज के लिए तैयार है। अभी आप ये कर सकते हैं, अपना मास्क को पहन लीजिए। और इसको आहिस्ता से घुमाइए। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू हो गया है और मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं। आप सांस लेते रहिए और हर एक सांस के साथ में ऑक्सीजन को लेते रहिए। जब आपका ऑक्सीजन लेने का काम समाप्त हो जाए तभी सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और मेक श्योर कि ये वापस जीरो पे आ जाए। फिर ये जो वाल के ऊपर व्हील लगा है उसको वाल को व्हील से बंद कीजिए, अपना मास्क निकालिए और उसको रख दीजिए। जब भी आपको चाहिए तभी आप ये ऑक्सीजन को ऐसे ही मन के यूज कर सकते हैं। एक और चीज, ये जब भी आप इसको इसके अंदर का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाए और आपको उसको रिफिलिंग के लिए भेजना हो तभी आप ये कर सकते हैं कि ये जो नजल है उसको यहाँ से निकाल दीजिए और ये पूरा का पूरा जो असेंबली है वही है ना, आप अपने रिफिलर को दे दीजिए। आपका रिफिलर बहुत अच्छे से जानता है कि इसको कैसे हैंडल करना है और कैसे इसको करना है।
अगर आप खुद भी घर पे ये रेगुलेटर को रीअटैच करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सबसे पहले बंद कर दीजिए कम्प्लीटली। जब ये रिफिलिंग करना है तभी मैं ये सूचना दे रहा हूँ, ये इसको पूरा कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। और ये है ना, खोल के इस ये रेगुलेटर के अंदर जितना ऑक्सीजन भरा है उसको रिलीज कर दीजिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ का जितना ऑक्सीजन होगा वो रिलीज हो जाएगा। और इसके बाद में इसको आहिस्ता से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये खुल जाएगा। और आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको अगर ये रेगुलेटर में ऑक्सीजन भरा हुआ रहेगा तो ये नहीं खुल पाएगा। कभी भी आप कितनी भी कोशिश करेंगे ये नहीं खुल पाएगा, ये ऑटो लॉकिंग है। तो ये सिलेंडर को आप ऐसे ही दे सकते हैं। और जब भी आपको वो भर के आ जाए तो फिर मैंने जैसे बताया वैसे आप यहाँ से लगा के वापस से ऑक्सीजन का प्रवाह अपने लिए लेने का शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।